हेलो दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज मेरे पास पोको F1 वही मेरे पास दूसरा फ़ोन है रेडमी K20 Pro। तो आज दोनों के बीच में करने वाले हैं पबजी कंपेरिजन टेस्ट। हालांकि इन दोनों फ़ोनों का पबजी कंपेरिजन टेस्ट नहीं बनता है, इन दोनों फ़ोन के बीच हमें पबजी टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई मेरा पोको F1 काफ़ी पुराना फ़ोन हो चुका है और रेडमी K20 Pro मैंने अभी खरीदा है। तो मेरे पास जो फ़ोन है ये मेरे पास रेडमी K20 Pro तो अभी खरीदा है मैंने इसी महीने। ये दोनों ही फ़ोन मेरे दोस्त के हैं तो उसी ने खरीदे हैं। तो मेरे हाथ में जो फ़ोन है ये मान लीजिए रेडमी K20 Pro तो नया इसी महीने खरीदा गया है, लेकिन पोको F1 एक साल पुराना लगभग हो चुका है। ये दोनों फ़ोन मेरे दोस्त के हैं तो दोनों फ़ोन के बीच में करने वाले हैं पबजी कंपेरिजन टेस्ट। देखते हैं स्पीड टेस्ट की पहले कौन सा ओपन कर देता है। तो मुझे जहां तक लगता है रेडमी K20 Pro ही स्पीड में आगे रहेगा, क्योंकि भाई पोको F1 काफ़ी पुराना फ़ोन हो चुका है। हालांकि पोको F1 भी एक गेमिंग फ़ोन है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में पबजी कंपेरिजन टेस्ट करके दिखाने वाले कौन से की स्पीड अच्छी रहती है। तो अभी तक बात करें स्पीड की तो हमारे रेडमी K20 Pro की स्पीड काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं दोनों फ़ोन के प्रोसेसर की। तो दोनों फ़ोन के प्रोसेसर की अगर बात करूँ तो आपको रेडमी K20 Pro में मिलेगी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। अब वहीं बात करें पोको F1 की तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा प्रोसेसर है। काफ़ी अच्छे से गेमिंग आप उस फ़ोन में कर सकते हो जिसमें आपको ये दोनों ही प्रोसेसर मिल जाते हैं। कोई सा भी प्रोसेसर हो आप काफ़ी अच्छे से गेमिंग कर लेते हो। तो मेरे पास पोको F1 है 64 इंटरनल स्टोरेज के साथ है। जी हाँ दोस्तों, 64 GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाती है जो मेरे पास है पोको F1 है। अगर बात करूँ K20 Pro की तो मेरे पास है 128 इंटरनल स्टोरेज के साथ है, 6 GB रैम वही 128 इंटरनल स्टोरेज के साथ है। तो चलिए दोस्तों गेम प्ले को आगे देखते रहिए। गेम प्ले पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अगर बात करें दोनों फोन के जायरोस्कोप की, दोस्तों दोनों ही फोनों में जायरोस्कोप यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपके पास में पोको F1 भी है तो ऐसा नहीं कि आप उसे पबजी नहीं खेल सकते हो। दोनों के ग्राफिक्स देख लीजिएगा, हमारा रेडमी K20 Pro HDR+ Extreme को सपोर्ट करता है और वहीं हमारा पोको F1 HDR+ Ultra को सपोर्ट करता है। चलिए इसी हाई ग्राफिक्स में दोनों में मैच स्टार्ट कर लेते हैं। दोनों ही फ़ोन के हाई ग्राफिक्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। चलिए मैच स्टार्ट होने के बाद में आपको परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं कौन से फ़ोन में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है। अगर आप खरीदने वाले हो इन दोनों फ़ोन में से कोई सा भी एक फ़ोन पबजी के लिए, तो भी आपको बताने वाला हूँ आपको कौन सा फ़ोन खरीदना है 2020 में। तो चलिए दोनों ही फ़ोन में दिखाने वाले हैं कैसी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। अगर बात करें जायरोस्कोप की तो दोस्तों दोनों फ़ोन का जायरोस्कोप काफ़ी अच्छा है, कोई भी दिक्कत आपको किसी भी फ़ोन में नहीं मिलने वाली है। आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो तो जायरोस्कोप आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। आप जायरोस्कोप के साथ ही पबजी खेल सकते हो। तो मैंने दोनों फ़ोन का जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन कर रखा है। तो देख लीजिएगा पोको F1 का जायरोस्कोप भी काफ़ी स्टेबल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बात करते हैं दोनों फ़ोन की बैटरी की। तो दोनों फ़ोन की बैटरी आपको सेम मिलती है, 4000 mAh की बैटरी दोनों फ़ोन में आपको दी गई है। प्रोसेसर मैंने आपको बताया दिया है। बात कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन के प्राइस की। दोस्तों रेडमी K20 Pro की 6 GB रैम वही 128 इंटरनल स्टोरेज के साथ जो इसका वेरिएंट है उसका प्राइस आपको फ्लिपकार्ट पर अभी देखने के लिए मिल जाएगा 25,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 25,000 के आसपास इसका प्राइस है। बात करें पोको F1 की तो ये 64 GB वाला जो वेरिएंट है इसका प्राइस आपको 19,000 के आसपास मिल जाएगा, 19 से 20,000 के आसपास। अगर बात करें इसके भी 128 इंटरनल स्टोरेज के साथ पोको F1 वाले वेरिएंट का, तो उसका प्राइस आपको 22-23,000 के आसपास फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। तो प्राइस तो रेडमी K20 Pro से कम है, लेकिन आपसे कहना चाहूँगा अगर आप 2020 में अभी इन दोनों फ़ोनों में से कोई सा भी एक फ़ोन खरीदना चाहते हो तो भाई आप रेडमी K20 Pro ही खरीद लें, क्योंकि नया फ़ोन है और काफ़ी अच्छे इसमें आपको कैमरे काफ़ी अच्छी लुक मिल जाती है, तो गेमिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ऐसा नहीं कि पोको F1 में गेमिंग नहीं होगी। अगर आपके पास में पहले से ही फ़ोन है या लेने भी वाले हो तो भाई गेमिंग तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसमें आप गेमिंग नहीं होती, वो भी एक गेमिंग फ़ोन है। लेकिन इन दोनों ही फ़ोन के आपके पास ऑप्शन है कि आप इन दोनों फ़ोन में तो एक फ़ोन खरीदोगे तो भाई आप रेडमी K20 Pro खरीद सकते हो, क्योंकि प्राइस में भाई उतना फ़र्क नहीं है, प्राइस लगभग ही सेम है अगर आप दोनों का ही सेम वेरियंट खरीदते हो। तो आपको मैंने आपको बता ही दिया आपको कौन सा फ़ोन खरीदना है, आगे आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वही आप करोगे। ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपसे बोल दूं वही आप करोगे, मेरा काम है आपको बताना। तो मैंने आपको बता दिया दोनों फ़ोन्स में कोई सा भी फ़ोन आप चूज़ कर सकते हो, पबजी आप दोनों फ़ोन में खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मैं फ़ोन बदल कर आपको दिखाऊंगा आगे चेंज करके दोनों फ़ोन की परफॉर्मेंस, तो देख लीजिएगा कोई भी लैग हमें रेडमी K20 Pro में नहीं मिला है। दोस्तों अगर आपको रेडमी K20 Pro की स्पेशल पबजी टेस्ट की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है। दोस्तों अगर बात करें पबजी बैन होने की तो पबजी बैन हो चुका है, लेकिन मैं तब तक वीडियो लाता रहूँगा तब तक मेरे पास वीडियो बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले कुछ वीडियो शूट कर रखी थी तो लगभग मेरे पास अभी एक दो वीडियो और है तो उन्हें भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो पबजी बैन हो चुका है तो उसके बाद में हम और गेम की टेस्टिंग वीडियो करेंगे, जैसे कि COD यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, तो और जैसे भी गेम है उनकी टेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। आगे हमारा फौजी आने वाला तो उसकी वीडियो आपके लिए जरूर लाएंगे, तो जैसे ही वो लॉन्च होगा उसकी वीडियो आपके लिए लेकर जरूर आते रहेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
तो पोको F1 में भी देख लीजिएगा, गेमिंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम मिलेगी। हाँ काफ़ी पुराना हो चुका है उस वजह से थोड़े थोड़े लैग कहीं कहीं मिल सकते हैं अगर आपका पिंग थोड़ा हाई हो जाता है, लेकिन भाई Redmi K20 Pro में अभी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली है। तो दोनों फ़ोन गेमिंग फ़ोन है, लेकिन अगर आपको इन दोनों फ़ोन में से कोई सा भी खरीदना है अभी तो आप Redmi K20 Pro खरीद सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपके पास में पोको F1 पहले से ही है तो आप गेमिंग कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले से ही है तो अच्छी बात है, लेकिन नया भी आप मत खरीदना, आप Redmi K20 Pro खरीद सकते हो अगर आपके पास में इन दोनों फ़ोन के ऑप्शन है तो। तो दोस्तों गेम प्ले को थोड़ा आगे देखते रहिए, मैं आगे भी फ़ोन चेंज करूँगा, Redmi K20 Pro वापस लेने वाला हूँ, तो परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं, तो दोनों फ़ोन में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। चलिए गेम प्ले को आगे देखते रहिए, पसंद है तो लाइक जरूर करना। दोस्तों अगर आप किसी फ़ोन में जानना चाहते हो कि उस फोन में गेम प्ले कैसा हो जाएगा, COD या फ्री फायर या पबजी टेस्ट, तो पबजी की भी कोशिश करता रहूँगा, पबजी जब तक मेरे पास पॉसिबल हो सकेगा जब तक आपके लिए पबजी टेस्ट की वीडियो लाता रहूँगा। तो जिस दिन बैन हो ही जाएगा, परमानेंटली बैन तो हो चुका है, गूगल प्ले स्टोर से भी हट चुका है, ऐप स्टोर से हट चुका है, लेकिन अभी फिर भी पबजी चल रहा है, जो पहले से इंस्टॉल है उन फोनों में चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा वो पता नहीं है, तो जब तक भी चलेगा वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए गेम प्ले को आगे देखते रहिए, पसंद है तो लाइक जरूर करना। दोस्तों अगर आप किसी फोन में जाना चाहते हो कि भाई उस फोन में गेमिंग कैसे होगी, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको हर कमेंट पर वीडियो बना दूँ, वरना कमेंट कर तो मैं जरूर देता ही हूँ। दोस्तों आपके पास में कौन सा फोन है जिसमें आप गेमिंग करते हो और कौन सा गेमिंग करते हो, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि उस फोन में गेमिंग कैसी हो जाती है, तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अगर मैं उस फोन में टेस्ट करूं तो उन बातों को ध्यान में रखकर ही करूं। तो चलिए गेम प्ले को आगे देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए थोड़ा गेम प्ले आगे देखते रहिए, वीडियो को पूरी देखना बिना स्किप किए ताकि पूरी बात आपको समझ में आ सके। देखते रहिएगा स्क्रीन पर किसी फोन में लैग मिलते या नहीं मिलते।